नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएमओ पर हरिजन महिला पार्षद ने लगाया गंभीर आरोप, कहा कि हमारे साथ करते हैं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। इस बात की शिकायत नगर परिषद चुरहट के वार्ड क्र 14 की पार्षद कल्पना प्रजापति ने कलेक्टर सहित चुरहट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जब बैठक के दौरान 1 मार्च को मैंने बाढ़ की विकास को लेकर सीएमओ चुरहट आनंद मिश्रा के पास प्रस्ताव रखी तो उन्होंने आप शब्द टिप्पणी किया। इस मामले में पार्षद कल्पना प्रजापति ने आगे क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। चुरहट की पार्षद हैं? जी सर। किस बार की पार्षद हैं? बाढ़ क्रमांक 14। क्या मामला है, क्या आपने कई कुछ जगह शिकायत की है, कहाँ शिकायत की है? कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत किए हैं और यहाँ हरजन उसमें थाने में दर्ज किए हैं और चुरहट में भी दिए हैं। क्या शिकायत है आपकी? हमको वो कुहारिन गवारिन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सीमो साहब। क्या नाम है सीमो का? आनंद मिश्रा। किस लिए बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं? बोलते हैं कि तुम अन पर गंवार। किस वजह से? क्या आप उनसे कोई टाचर बात किए हैं, किस वजह से बोल रहे हैं? नहीं सर, मीटिंग थी। मीटिंग में कोई आपने जनता की समस्या को लेकर आवाज उठाए होंगे? हाँ, जनता की समस्या को लेकर गए थे। पानी का समस्या है तो हम पानी के लिए बोले, सप्लाई नल के लिए। इसीलिए तो आप उपाध्यक्ष से भी मिले हैं कि? जी नहीं सर, मिले। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लड़ाई चल रही है, ये भी आप जानते होंगे। तो सीएमओ के क्या हस्तक्षेप, क्या आप ये मानते हैं कि अध्यक्ष के खेमे से हैं कि उपाध्यक्ष खेमे से, किसे मानते हैं? वो तो अध्यक्ष से मिलना है सर, अध्यक्ष मिलेंगे तो काम होगा और उपाध्यक्ष से मुझे कोई मतलब नहीं सर। सीएमओ के खिलाफ आपने शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं? यहाँ कलेक्ट्रेट में और चुरहट थाने में। दिखाइए कॉपी। आगे आपने शिकायत कर दिया थाने कलेक्टर हर जगह सीएमओ के खिलाफ, है ना? जी सर। नई कार्रवाई होती तो क्या आगे आगामी कदम क्या रहेगा? आगे हम आप देखेंगे कि कोई व्यवस्था करेंगे उनके लिए। एक महिला हैं आप? जी सर। और जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, हम नहीं कहते आप कह रहे हैं। जी सर। तो यह क्या उचित है? नहीं सर। फिर हमको जनता जनार्दन ने चुना है तो तब हुए हैं, उनके कहने से तो नहीं हुए, अनापने से हुए हैं सर। पार्षद आपको जनता ने बनाया? जी सर। मान लीजिए शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आगामी आप क्या करेंगे? शिकायत आओ कहीं कहेंगे? जी सर, आगे तक जाएंगे हम, अगले सब पार्षद को मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे और राहुल भैया से समर्थक दिए हैं तो आगे कभी देखेंगे। आप पार्षद चुने गए थी? जी सर। आपके वार्ड में काम भी हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। किस वजह से? सीएमओ की या इसके वजह से? नहीं, सीएमओ के वजह से नहीं हो रहा सर। आपकी बात नहीं सुनी जाती? नहीं सुनी जाती, कुछ भी काम के लिए बोलो तो नहीं करते। अच्छा, इसी वजह से आपको जात सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया? फोन भी लगाते हैं तो रिसीव नहीं करते सर। इसी वजह से जात सूचक शब्दों का भी आपके प्रति प्रयोग किया, चूँकि आपने वार्ड के विकास के लिए बात की होंगे, है ना? इस वजह से जात सूचक शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया गया है। चलिए।